पता तो आपको चल ही गया होगा कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। जी बिल्कुल ठीक, हम इस वक्त हैं करतारपुर में। हमारा तकरीबन 7 से 8 लोगों का ग्रुप था जो हम सारे मिलकर करतारपुर गए। वहाँ पर हमने ज्ञानी साहब से मिलना था जो कि वहाँ के इमाम हो। He is such a nice person, wonderful person, कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया और इतनी हमारी मेहमान नवाजी की। जिस तरह नस्ल दर नस्ल ताड़े थे जो बैनन बंदे जिस तरह उन अंदर ये ताड़े के लग गए ज्ञानी साहब। ज्ञानी जी ने दरबार साहब दे। अच्छा ये इन्हें की कोई अथॉरिटी मिलती है या नस्ल दर पुश दर पुश चलता है? नहीं नहीं ये ना कोर्स हम देना है। अच्छा यानी कि जिस तरह के इमाम मस्जिद वास्ते ठीक है उधर से हमें किया जी ना इस तरह पा। अच्छा जरा दर नस्ल वाला। अच्छा जरा कोर्स कर लेंदा उस फिर सीट सौंप देती जांदी है। ये क्या लोग सरकारी जॉब है जी। जो फैसिलिटीज इंडिया से आए हुए मेहमानों को सिख हजरात को मिलती है वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई। हमारे साथ 2 टूर गाइड लगाए गए जिन्होंने हमने सारा करतारपुर दिखाया। हाँ जी इस जगह से जो कि उस टाइम संगत से गुरु नानक नाम लेवा उन्होंने चादर बोला स्टॉल किए और वो सारी जगह भी हमने देखी जो सिर्फ और सिर्फ सिख हजरात देखते हैं और वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर किसी दूसरे मजहब वालों को जाने की इजाज़त नहीं होती। जो यह सारा कुछ हो रहा है इतना कि मीडिया वाले कहते हैं हटाओ जी जी एक तो खुला से ना इंडिया वाले बहुत ज़्यादा कहते कि तुम प्लीज हटा दो। हाँ लेकिन असं कहते नहीं हटाना नहीं है जो तुम्हें किया सही गल है जी बिल्कुल सही गल ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਂਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਬ ਫੈਂਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਆਹ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਅਮਲ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਸ਼ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
किधर आए हैं सरार भाई आप? ये गुरु नानक का दरबार है जी, यहाँ पे आए हैं हम विजिट के लिए। आज पहली दफ़ा आए हैं देखने के लिए। क्या देखा फिर आपने? अभी हमने तो अंदर उनकी इबादतगाह देखी है पहले सबसे, फिर उसके बाद नीचे वो जहाँ पे उनकी वो तदफीन है, हम लोग तदफीन कहते हैं लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो हमने फूल समाधि बनाई हुई है। हाँ, समाधि बनाई हुई है। और बाहर जो मुसलमानों ने जहाँ पे वो क्योंकि ओरिजिनल उनका कह रहे हैं कि जिस्म जो है वो गायब हो गया था और उसकी जगह फूल और पत्तियाँ आ गई थी, तो वो फूल बाहर मुसलमानों ने दफनाए थे, वो जगह देखी है। फिर उनका कुआँ देखा है जहाँ से वो अपने खेतों को पानी लगाया करते थे और वो इनको जो दर्स दिया करते थे या तबलीग किया करते थे उसके बारे में वो उसने थोड़ा सा हमें ब्रीफ़ किया है कि उन्होंने भी यही तबलीग की है कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की वादानियत का इकरार किया उन्होंने। तो कैसा लगा आपको ये बना हुआ? बहुत अच्छा है जी, बहुत खूबसूरत है। गुरुद्वारा साहब एंटर होते हैं सबसे पहले हम इधर, हमारी यही कोशिश होती है कि हम इधर पहले स्नान करें, मतलब कि पाक साफ हों, फिर हम जाके उधर जाके माथा टेकते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? लंगर खाना जा रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि आप आएँ लंगर खाने, आपकी सेवा करते हैं वो वाले जी। ये लंगर हाल है, यहाँ पे हमें वो लंगर खिलाएंगे जी। यहाँ पे हम लंगर हाल आए हुए हैं और यहाँ पे इजाज़त नहीं है कि आप नंगे सर घूमें, इसलिए जो है वो हम सर स्नान करके आए हैं। अभी स्नान करके आए हैं, अभी हम लंगर खाएंगे, अभी हम लंगर खाएंगे। देखें लंगर में मेरा ख्याल है ज़्यादातर तो दाल चावल होते हैं और दाल चावल ही होंगे मेरा ख्याल है। ये लंगर हॉल है जहाँ पर सारा सिस्टम जो है ना, एग्जॉस्ट सिस्टम है ये सारा। ये बड़ी बड़ी देखें जो हैं, ये चूल्हे देखें, इतने बड़े बड़े चूल्हे, बड़ा भी ये मुसाफिर सारे बैठे हुए हैं लंगर खाने के लिए। जिस तरह के लॉन्ग अंडर वेयर। अच्छा ठीक है जी। और कला और छैना क्या जी? छैना भी कुछ नहीं, नहीं कछहरा, कछहरा 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 हम बोलते हैं लॉन्ग अंडरवेयर। लॉन्ग अंडरवेयर हो गया, एक कड़ा हो गया, कला कृपान केस कृपान की चीज़ है, कृपान पहनते हैं वो कह लें कि चाकूछुरी चाकूछुरी वो रखे हैं को फिलहाल तो मैं नहीं पहनी आएगी। अच्छा वो अंदर जी, यानी हर टाइम कोल होना चाहिए जी। वो कह लो कि अगर थोड़ी अपनी इज्जत गल आए या किसी की इज्जत गल आए तो तुम तद ही इस्तेमाल कर सकते, असं अदरवाइज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, सही हो। पांच चीज़ें होनी चाहिए भाई, लिबास तुम जो मर्जी यूज कर सकते हो। पंजूरियां नहीं है ना कृपा नहीं आएगी बहुत मकूबा साढ़े मतलब ऐसे संस्कार करते जलाते हैं जी। अच्छा तुम देखो ना, साढ़े मतलब लिखा है कि जरा इंसान है वो तीन चीज़ों का मिलकर बने, अग पानी तो मिट्टी। असी मतलब कि सिख तो संस्कार करते बंदा दफनाते हैं, मतलब जो भी संस्कार करते हैं असं तिना चीज़ों का मतलब कि हिसाब देते हैं, मतलब कि अस अग जलाते हैं, पानी ने मतलब कि असं बनाते हैं, मिट्टी में संस्कार करते हैं। मतलब कि कहो कि एक जी इंसान की जी ज़्यादा अहमियत तो रूह ना रहे,
جس طرح تے او دے کرو کوئی اللہ دی نعمت ہوندی ہے کہ تحفہ ہوندا او روح دی جس طرح تے مطلب کہ جو اللہ نے تحفہ ہی دیندا نا جس طرح تے لوگ بات کر رہے ہیں اوکے جی